ठीक है, तो प्लांट को किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करना पड़ता है? तो बेटा याद करो, मैं तुम लोग को बता रहा, प्लांट को सबसे पहले हमें किससे प्रोटेक्ट करना पड़ता है? वीड से। वीड वो अनडिजायरेबल प्लांट्स रहते हैं, वीड वो अनडिजायरेबल प्लांट्स रहते हैं जो मेरे प्लांट के साथ क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। किस चीज के लिए? सनलाइट के लिए, है ना। वीट वो गंदा पौधा है जो मेरे मेन पौधे के साथ बैठ गया। अब अगर वो ना होता तो कोई और क्रॉप होता जो मेरा रिक्वायर्ड क्रॉप होता, और क्योंकि वो मेरा रिक्वायर्ड क्रॉप होता तो उससे क्या होता, उसको वो सनलाइट मिलती। अब वो क्या कर रहा है, मेरे क्रॉप के साथ सनलाइट तो शेयर कर रहा है लेकिन वो मेरे काम का नहीं है। वैसे ही वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी लेगा, वैसे ही वो सॉइल से वाटर भी लेगा, वैसे ही वो स्पेस भी ले रहा है जो शायद किसी और के लिए क्या हो सकती थी। आ रही है क्या बात समझ में? क्लियर। तो क्रॉप्स को पहली चीज है हमको किससे बताना है, वीड से। किससे बचाना है? वीड्स। वीड्स क्या होते हैं बेटा? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे मेन क्रॉप के साथ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जो हमारे मेन क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं। सुनो ध्यान से, तुम्हारे स्कूल में एमरेलाइड्स और चोइथराम, तो मैं दो यहाँ याद करने, कौन? एक जैंथियम और एक पार्थेनियम, ठीक है। ये गाजर घास और एक गोकरू, ठीक है ना। ओपनशी, बाकी सारे बच्चे एनडीपीएस और दूसरे बच्चे, तुम लोग ये भी करोगे और ये भी करोगे, मतलब तुम्हें चारों एग्जाम्पल्स याद करने हैं। क्लियर। सुनो, एमरेल्स वाले भी चारों कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ जैंथियम और पार्थेनियम ही दिया है तो तुम्हें इससे बाहर कुछ पूछेंगे नहीं। ठीक। अब वीड्स क्यों हार्मफुल है, तो हमने कहा ये प्लांट्स के साथ क्या क्या शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, वाटर, फर्टिलाइजर्स, और इसके अलावा क्या करते हैं, स्पेस भी शेयर करते हैं। बुरी बात क्या होती है, बहुत फास्ट स्प्रेड होते हैं, ये बहुत फास्ट स्प्रेड होते हैं क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे सीड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, और इनके सीड्स जो रहते हैं वो स्कैटर भी बहुत तेज होते हैं। इनके जो सीड्स रहते हैं वो स्कैटर भी बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए इनको खत्म करना बहुत जरूरी होता है। तो वीड्स को कैसे हटाएंगे बेटा? मैनुअल रिमूवल, यानी कि रिमूवल बाय हैंड्स। तो अगर पूछते हैं मैनुअल टेक्निक कौन सी है, तो हम लोग कहते हैं मैनुअल रिमूवल की दो टेक्निक से, एक तो हाथ से निकाल दो और दूसरा खुरपा या ट्रोवेल दो। मतलब एक एक वीड जाओ उसको धरती में से, मतलब सॉइल में से निकाल निकाल के हटा दो। क्लियर। नेक्स्ट, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, केमिकल्स यूज कर सकते हो, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है क्या, कि आप कोई बायोलॉजिकल मेथड्स क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं, ऐसे मेथड्स जो हमारे क्रॉप को क्या नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे, या कुछ ऐसे इंसेक्ट ढूंढ के लेना जो मेरे क्रॉप को तो नहीं खाएंगे लेकिन वो वीड्स को क्या करेंगे, खा लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, मेरा क्रॉप तो बच ही जाएगा। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, कोकिनियल इंसेक्ट्स आर यूज्ड टू रिमूव वीड्स कॉल्ड ओपनशिया। ओपनशिया जो रहता है ना, ये डेजर्ट ज़ेरोफाइट रहता है। ज़ेरोफाइट मतलब डेजर्ट में उगने वाला एक वीड रहता है जो मेन क्रॉप को क्या करता है, खराब कर देता है ना। इसके अलावा कल्चरल मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वीड रिमूवल के लिए, कि सीड सो करने के पहले आप सीड बेड अच्छे से प्रिपेयर करो, टाइम से क्रॉप सो कर दो, मतलब प्रिपेयरिंग ऑफ फील्ड और सोइंग में ज्यादा टाइम गैप न रखो, क्योंकि उस बीच क्या होगा, उन्हें चांस मिल जाएगा। किसको चांस मिल जाएगा,
जी आप म्यूट पर हो। ठीक है, तो इंसेक्ट पेस्ट कैसे हार्म करते हैं हमारे क्रॉप्स को। तो पहले हमने बोला क्या करेंगे, रूट स्टेम और लीफ काट लेंगे, पालक के पत्ते देखें कटे हुए, ठीक है ना। वो कौन करता है, इंसेक्ट। तभी तुम्हारी मम्मी क्या बोलती कि तुमने तो खैर कभी पालक गिनी नहीं होगी, पर गलती से कभी तुम बहुत घर में परेशान कर रहे हो तो मम्मी बोलती ये करो, तो तुमको बोल के जाती कि जो कटा हुआ पत्ता हो जिसमें छेद हो वो हटा देना। क्यों? बिकॉज वो इंसेक्ट पेस्ट से हो सकता है इन्फेक्टेड हो। हालांकि आप रख भी लो तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपकी जो सब्जी रहती है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पे पकती है, तो काफी सारे जर्म्स क्या होते हैं, इवेंचुअली मर ही जाते हैं। पर एज अ प्रिकॉशनरी मेजर क्या कहा जाता है कि ये कटे भरते पत्ते मत लिया करो, बिकॉज दे कैन हाँ। अरे बात समझ में, ठीक है ना। सकिंग द सेल सैप, सेल सैप मतलब वो लिक्विड ले लेंगे उसको, उसको प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। और बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट से तो तुमने देखा ही होगा, मटर में से कैटरपिलर निकलता हुआ, ठीक है। तो वो बोर करता है, बोर मतलब अंदर तक घुस जाता है। एप्पल में देखा होगा इधर से घुसता है उधर से बाहर निकलता है। 8-15 दिन एप्पल फ्रिज के बाहर रख दो, तुमने देखा एप्पल के अंदर से कीड़े निकलते हैं, चमत्कार। बिकॉज वो बोर करते हैं उसके अंदर, दे गेट इनसाइड, पूरा ही घुस जाता है। आ रही बात समझ में, बताती हूँ, ठीक है ना। इस तो आप क्या यूज कर सकते हो इनके लिए, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं हम लोग। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। आ रही बात समझ में। अब ये फंगीसाइड्स हो सकते हैं जो फंगस को किल करें, इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं जो इंसेक्ट्स को किल करें, नेमाटोसाइड्स हो सकते हैं जो नेमाटोड्स को। अब जिन लोग को नहीं पता है नेमाटोड्स कौन होते हैं, तो नेमाटोड्स बेसिकली एक सेट ऑफ वर्म्स होते हैं। आ रही बात समझ में, राउंड वर्म सुना है, कोई बात नहीं। रोडेंट्स मतलब ये जानवर होते हैं जैसे कि रैट, रैबिट, ठीक है ना। और हर्बिसाइड्स क्या होती है, हर्ब्स को मार देती है। इज इट क्लियर। अब हमने देखा सबसे पहले किससे डर था, वीट से, वीट सेटल कर लिए। फिर हम देखा इंसेक्ट पेस्ट से डर था, इंसेक्ट पेस्ट को भी हम लोगों ने क्या कर लिया, सेटल कर लिया। अब कौन बचे, डिजीज। डिजीज किससे होती है बेटा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी से। तो इन सब चीजों का भी टेकन केयर कैसे होती है, बाय स्टोरेज, ठीक है ना। स्टोरेज के टाइम पे ऐसी क्या परेशानी होती है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो सेफ स्टोरेज की क्यों जरूरत होती है, ताकि एक तो ग्रेन क्या हो, इजीली अवेलेबल हो, ठीक है ना, इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है ना, और रेगुलरली मिलता रहे थ्रू आउट द ईयर। बफर स्टॉक रहे इमरजेंसी पीरियड के लिए, बफर स्टॉक समझते हो, एक्स्ट्रा हमारी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा गेहूं सेव कर रखती कि कभी कहीं कुछ तो भी गड़बड़ हो गई तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, कम आता है इनफैक्ट, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है कि सेफ स्टोरेज क्यों जरूरी है, सेफ स्टोरेज क्यों जरूरी है, व्हाई डू नीड वी डू वी नीड टू स्टोर द ग्रेन्स। क्यों, स्टोरेज के टाइम ऐसे कौन से लॉसेस होते हैं, स्टोरेज के टाइम ऐसे कौन से लॉसेस होते हैं जिनको बचाना बहुत जरूरी रहता है। तो हम लोग कहते हैं देखो स्टोरेज के टाइम बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बहुत बार पेस्ट अटैक कर देते हैं, चूहे हैं, रैबिट हैं, अलग अलग तरीके के पेस्ट रहते हैं जो इसको क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारा ग्रेन क्या हो सकता है, सड़ सकता है। अगर वो सड़ जाएगा तो उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा, उसका लॉस इन वेट हो जाएगा। मानो मैंने 100 किलो स्टोर किया था, लेकिन क्योंकि कुछ ने खा लिया या कुछ ऐसा हुआ तो उसका वेट लॉस हो जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ द प्रोड्यूस, डिसकलरेशन ऑफ द प्रोड्यूस मतलब आपने जो, तुम लोग को पता नहीं होगा, तुम्हारे घर में अगर गेहूं चावल उतरते हैं तो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो जब जाते तो ऐसे हाथ लगा लगा के देखते हैं, पता नहीं कितनों को क्या समझ में आता है, मेरे को आया ना आइडिया है ना, तेरे को भी नहीं आता, वो तो है ही ना समझ, पर जो समझदार होते हैं वो देखते हैं। तो व्हाट डू दे सी, दे सी द वेट, क्योंकि उन्हें पता होता है स्टोरेज के टाइम देयर इज अ चांस कि जो ऊपर से दाना ठीक दिख रहा है वो अंदर से क्या हो सकता है, लॉस वेट कर चुका हो, खोखला हो चुका हो, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, कलर चेंज हो जाता है स्टोरेज के टाइम पर। तो अगर उनको दिखता है कि ग्रेन के अंदर वेट लॉस हो गया है, वेट का या कलर चेंज हो गया, तो फिर वो ऐसा ग्रेन खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे। आ रही है, तो जो भी इसको क्या कर रहा है, तो अगर कलर लॉस इन वेट हो गया, डिसकलरेशन हो गया, तो उसकी जो मार्केटेबिलिटी रहती है वो क्या हो जाती है, पुअर,
ओवर मार्केटेबिलिटी होगी तो वो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो क्या होगा, फार्मर को लॉस हो जाएगा. इसलिए स्टोरेज लॉसेस को प्रिवेंट करना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो हम लोग कहते हैं अगर आपको स्टोरेज के टाइम कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक तो ड्राई नीम लीव्स के साथ क्या कर सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो हमेशा. सेकेंडली जब आप स्टोर करते हो उसके पहले जो जगह है जहां पर आप स्टोर कर रहे हो उसको क्या करो, अच्छे से साफ कर दो. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जो ग्रेन है उसको पहले अच्छे से धो लो, पूरे ग्रेन को, फिर उसको सनलाइट में सुखाओ, फिर उसको शेड में सुखाओ, और उसके बाद आप सिलोस में फिल करके उसको रखो, तो आपका ग्रेन कभी भी खराब नहीं होगा. और जिस जगह पे आप उसको स्टोर कर रहे हो वहां पे फ्यूमिगेशन कर दो. फ्यूमिगेशन मतलब क्या होता है, स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स. फ्यूमिगेशन मतलब क्या होता है, स्प्रेइंग ऑफ, जिस जगह पे हम लोग स्टोर करते हैं, स्टोर उसको सिलोस में ही करते हैं, मतलब बोरों में ही करते हैं, लेकिन जहां पर कर रहे हैं ना वहां हम लोग केमिकल इसलिए स्प्रे करते हैं कि कोई इंसेक्ट्स या रोडेंट्स वहां पर आ ही ना पाए. ठीक है, देखो क्या लिखा है, द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स आर जनरली अटैक्ड बाय पेस्ट सच एज इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स. ठीक है ना, जिससे उनको बार बार चेक करना पड़ता है. ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स लगाने पड़ते हैं, या तो स्प्रे करो या फिर फ्यूमिगेंट करो, है ना. रैट पॉइजन और ये सारी चीजें भी आपको रेगुलर इंटरवल्स पे करनी रहती है. आई बात समझ में? बोलो कोई परेशानी? ठीक, नेक्स्ट मूविंग ऑन. लास्ट टॉपिक तुम्हारा ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब होता है जैसे तुम लोगों ने इंदौर में एक जगह का नाम सुना होगा जैविक सेतु. सुनो, जैविक से तो जैविक मतलब होता है ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में मतलब क्या होता है, लीस्ट यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. लीस्ट यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो, नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करोगे या नेचुरल बायो एजेंट्स यूज करोगे अपने क्रॉप को फर्टिलाइज करने के लिए, या मैन्योर को या पेस्टिसाइड्स. आ रही है बात समझ में? जैसे कि आप टर्मरिक यूज करोगे डिजीजेस हटाने के लिए क्रॉप में से. ठीक है ना, आप ड्राई नीम लीव्स यूज करोगे. इसके अलावा बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी का जो कल्चर होता है, कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, वो एज अ पेस्टिसाइड यूज होता है. मतलब क्या, नहीं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होता है. कि आप कोई फर्टिलाइजर नाइट्रोजन का मत डालो, आप ब्लू ग्रीन एल्गी का कल्चर डाल दो. उससे क्या होगा ना कि आपका जो प्लांट है वो हार्म भी नहीं होगा, और उसको नेचुरली क्या मिलता रहेगा, नाइट्रोजन मिलता रहेगा. जो ज्यादा महंगे, हाँ ऑर्गेनिक फूड, हाँ आप क्या करें, पर जो भी ऑर्गेनिक है तो फिर हम लोग अच्छी चीज खा रहे हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं. तो आई बात समझ में? तो इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं. बोलो कोई परेशानी? क्या है यार इसकी परेशानी? ठीक है ना, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग जब एनिमल्स को रियर करेंगे, क्यों रियर करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको क्रॉस ब्रीड करेंगे, और ठीक है ना, ये जितनी भी चीजें करेंगे हम लोग क्यों करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम लोग को उससे कमर्शियल बेनिफिट्स मिले, ताकि हमें उससे क्या मिले, फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स. क्या? फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स. फॉर कमर्शियल, ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो इसमें क्या क्या करना पड़ता है, एक तो प्रॉपर फीडिंग करनी पड़ती है, फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है, गुड शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ता है, डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, और उनकी प्रॉपर ब्रीडिंग करनी पड़ती है. ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री की हमें नीड क्यों बढ़ गई? तो हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री की नीड ये है कि ओवर द ईयर्स ऐसा देखा गया है क्या कि लोग जो है, एक सेकेंड आई अमीशा मैं, ठीक है, तो ये सब हम लोग क्यों करते हैं, फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स करते हैं, फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स. यानी कि देखो, अगर हम लोग गाय भैंस पालेंगे तो दूध मिलेगा, ठीक है ना, ड्रॉट लेबर मतलब वो हमारे खेतों में काम करेगी, ठीक है ना,
अगर हम लोग बर्ड्स रियर कर रहे हैं, पोल्ट्री का काम कर रहे हैं, तो हमें मीट मिलेगा, हमें एग मिलेंगे, ठीक है ना. हम लोग फिशरीज खोल के बैठे तो हमें फिशेज मिलेगी, ठीक है ना. हम एपियरीज खोल के बैठे तो हमें बीज मिलेगी, ठीक है ना. तो इन सारे पर्पसेस से क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री किया जाता है. मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, कैटल फार्मिंग कहते हैं. एग प्रोडक्शन के लिए क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं. ठीक है ना. फिश फार्मिंग होती है, पिग फार्मिंग होती है, गोट फार्मिंग होती है ना. एनिमल वेस्ट यूटिलाइज होता है और हनी भी के, हनी के लिए और बी वैक्स के लिए हमारे यहाँ क्या होती है, बी कीपिंग होती है, ठीक है ना. मिल्क एनिमल कौन से होते हैं हमारे यहाँ, काउ बफेलो गोट. मीट और एग वाले कौन से होते हैं, मीट के लिए होते हैं गोट, शिप, शीप, पिग, फिश, चिकन, है ना. चिकन और डक, एग भी देते हैं. ड्रॉट मतलब जिनसे हम लोग फार्म लेबर लेते हैं, तो घोड़े, गधे, डक्कन, सॉरी डंकी, म्यूल, खच्चर. और हेयर और स्किन के लिए क्या होते हैं, शीप, गोट, रैपिड, काउ, बकरा. सबसे पहले आते हैं हम लोग का कैटल फार्म. ठीक है ना. हमारे यहाँ इंडिजीनियस ब्रीड्स कौन सी होती है, इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, देसी. देसी मतलब की इंडिया की. गिर, रेड सिंधी, ये साहीवाल है, डब्ल्यू, ठीक है ना, दियोनी. ठीक है. एग्जॉटिक ब्रीड्स कौन कौन सी होती है, ब्राउन स्विस जो स्विट्जरलैंड से आई है, और जर्सी. ठीक है. अब इंडियन ब्रीड्स की अच्छी बात क्या रहती है, दे आर डिजीज रेजिस्टेंट. दे आर डिजीज रेजिस्टेंट. इनको भी कितना भी गंदा गंदा खिला दो, ये बीमार नहीं होते, ठीक है ना. और एग्जॉटिक ब्रीड्स की क्या रहती है, इनकी हाई मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी रहती है. दे हैव हाई मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी. तो अगर पूछते हैं कि हम लोग दोनों का क्रॉस ब्रीड क्यों करते, तो हम लोग बोलेंगे जो इंडियन कैटल है दे आर हाईली डिजीज रेजिस्टेंट, और जो बाहर की कैटल होती है दे आर नॉट डिजीज रेजिस्टेंट, लेकिन उनकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है. और क्योंकि इनकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो हमको दोनों चीजें मिल जाएगी. अब देखो कुछ कुछ क्रॉस ब्रीड होती है, जैसे करन स्विस, ठीक है, जर्सी सिंधी, स्विस साहिवाल. अरे बात समझ में, ठीक है. तो ये क्या है, इनकी क्रॉस ब्रीड है, क्लियर. ठीक है ना. अच्छा, जो काउ होती है, काउ का जो साइंटिफिक नेम होता है, काउ का जो साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है बोस इंडिकस. क्या होता है, बोस इंडिकस, ठीक है ना, मतलब इंडियन काउ. और बफेलो का जो नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है बोस रूबेलिस, ठीक है ना. और ये इंडिजीनियस वाले तो बताई दिया कि इंडिजीनियस डिजीज रेजिस्टेंट होगी, और जो एग्जॉटेड होगी उनकी लैक्टेशन पीरियड लॉन्ग रहेंगे. एग्जाम में क्वेश्चन आता है लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, एग्जाम में क्या आता है, लैक्टेशन पीरियड क्या, हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ का. जब गाय बच्चा देती है तो उसके बाद एक रीजनेबल टाइम तक गाय क्या देती है, दूध देती है, और वही दूध हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं, ठीक है ना. तो लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, वो पीरियड होता है जब एक गाय क्या करती है, दूध देती है, ठीक है. तो जो एग्जॉटिक ब्रीड्स होती है उनके लैक्टेशन पीरियड क्या रहते हैं, लंबे रहते हैं, मतलब वो ज्यादा टाइम तक दूध देती है, ठीक है. अब देखो जो कैटल होती है
है ना, अगर हमको गाय का ध्यान रखना है तो हमें दो चीजें का ध्यान रखना है, एक गाय की सफाई और एक गाय के शेल्टर की सफाई, एक गाय की सफाई और एक गाय के शेल्टर की सफाई। तो गाय की सफाई के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलर ब्रशिंग। क्यों जरूरी है काऊ की रेगुलर ब्रशिंग या बफेलो की, टू रिमूव डर्ट एंड लूज है, अगर उनकी बॉडी पे कुछ मिट्टी मिट्टी लग गई है तो वो रिमूव करने के लिए, और कुछ लूज हेयर है तो वो भी रिमूव करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, उसको रेगुलरली ब्रश करना पड़ेगा। अब जो कैटल का शेल्टर होता है वो क्या होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम किससे प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, वो रेन हीट एंड कोल्ड, कैसा होना चाहिए, हीट और कोल्ड से प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। और जहां पर हम लोग, जो उनका शेल्टर होता है उसका जो फ्लोर होता है वो स्लोपिंग होता है, होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्लोपिंग। क्यों स्लोपिंग होना चाहिए, ताकि वो सूखा रहे, टू स्टे ड्राई, और इट फैसिलिटेट इजी क्लीनिंग, इससे क्या होता है उसको साफ करना भी क्या होता है आसान होता है। कैटल का जो फूड होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है रफेज, एक होता है कॉन्सेंट्रेट। रफेज मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है, लार्जली फाइबर, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट या लार्जली फाइबर मतलब वो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में, गुड हेल्थ में रखने के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग जो रोटी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, वो आपकी बॉडी की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप वो नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी मेंटेन है ना। और जो कॉन्सेंट्रेट रहता है वो उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है, वो रिच इन प्रोटीन होता है और अदर न्यूट्रिएंट्स होता है, इससे क्या होता है उसकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी होती है और इससे उसको डिजीज भी नहीं होती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एक एनिमल हेल्दी है या बीमार है, मुझे कैसे पता चलेगा कि एक एनिमल हेल्दी है या बीमार है, तो हम लोग बोलते हैं अगर मेरा एनिमल हेल्दी है तो उसका पोस्चर कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा और वो रेगुलरली अपना खाना खाएगा। यानी कि अगर गाय भैंस ने खाना छोड़ दिया है इसका मतलब वो रूठी भी नहीं है, सिर्फ वो बीमार है। अरे बात समझ में, ठीक है ना। बीमारी कौन कौन सी लग सकती है आपके एनिमल को, हमने बोला या तो माइक्रोब्स अटैक करेंगे, माइक्रोब्स अंदर क्या बैक्टीरिया वायरस फंगी वॉर्म्स, इन सबके अगेंस्ट क्या अवेलेबल होती है, वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है। और पैरासाइट्स दो तरह के रहते हैं, एक जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर रहते हैं एक्टो पैरासाइट स्किन में रहेंगे, और दूसरे होते हैं एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं। आ रही बात समझ में, बॉडी के अंदर मतलब कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, लिवर में, ठीक है ना। बोलो कोई परेशानी, यहाँ तक क्लियर है। देखो अब यही कहानी हम लोग ये वाले नोट्स में से पढ़ते हैं, देखो हमने पढ़ा दो मेन कंपोनेंट होते हैं खाने के, एक कौन सा होता है रफेज और एक क्या होता है कॉन्सेंट्रेट। ये क्या रहता है, इसका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है ना। और ये लार्जली क्या होगा, फाइबर, दिस वुड बी लार्जली फाइबर। और जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो क्या होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कैसा दिख रहा है, हिल नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो रफेज में क्या होंगे, फाइबर होंगे, लो न्यूट्रिशन, जैसे गाय चारा वारा दे दिया जो। कॉन्सेंट्रेट में प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि ऑयल सीड के, कॉटन सीड, मोलासेस, ठीक है ना। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाए। देखो एनिमल का शेल्टर जो होना चाहिए वो उसको किससे बचाए, हीट कोल्ड रेन से, है ना। क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, प्रॉपर सनलाइट आने चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। स्पेशियस होना चाहिए, फ्लोर स्लोपिंग होना चाहिए, और रेगुलर ब्रशिंग की भी जरूरत चाहिए ताकि डर्ट और लूज हेयर रिमूव हो सके। ये सारी कहानी हम लोग पढ़ सकते, ठीक है। अब सुनो,
नेचुरल ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन शायद तुम्हें न पढ़ाए, अगर पढ़ाए तो मुझे बोल देना, मैं भी पढ़ा दूंगी, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। ये डिजीजेस के नाम एंथ्रेक्स याद कर लेना, रिंडरपेस्ट याद कर लेना, वायरल में काउपॉक्स याद कर लेना, और फुट एंड माउथ डिजीज याद कर लेना, फंगल में रिंगवॉर्म और वॉर्म्स में एस्कैरियस, ठीक है ना। ये राउंड वॉर्म होता है। हाँ, लेडीज भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पर तुम्हारा कैटल फार्मिंग क्या होता है खत्म, किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी प्रॉब्लम होता है। हम लोग एग के लिए करेंगे या फीड के लिए करेंगे? जिनको एग के लिए करेंगे उन बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? लेयर्स। और जिनको मीट के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग ब्रॉयलर्स, ठीक है ना। अगेन इसमें भी क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग होती है। तो जो इंडिजीनियस ब्रीड होती है उसका नाम होता है असील। क्या नाम होता है? असील। और जो एग्जॉटिक ब्रीड होती है उसका नाम क्या होता है? लेगहॉर्न। क्या नाम होता है? लेगहॉर्न। और इन दोनों को क्रॉस ब्रीड किया जाता है, इन दोनों को क्रॉस ब्रीड किया जाता है ताकि हम लोग को डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, ठीक है ना। एग और मीट वालों को बेटा हम क्रॉस ब्रीड करेंगे नहीं, उसका रीजन है जो एग रहते हैं ना, देख अभी पहले एक मिनट समझ लिया है ना, जो लेयर्स होती है वो अपन किस चीज के लेते हैं? फॉर देयर एग्स। तो उनको जो डाइट भी देंगे वो हम कैसे देंगे? प्रोटीन और कैल्शियम रिच। वहां पर हम लोग जो भी काम करेंगे वो क्यों करेंगे? ताकि क्वालिटी ऑफ एग अच्छी रहे। क्वालिटी ऑफ एग मतलब उनका जो शेल रहे वो क्या रहे? स्ट्रॉन्ग रहे, है ना। वही जो ब्रॉयलर्स हैं उनको हम लोग मीट के लिए रियर करते हैं, और इसलिए उनको जो डाइट देंगे हम लोग कैसे देंगे? विटामिन रिच देंगे, प्रोटीन रिच देंगे, और जिसमें फैट ज्यादा हो, ताकि जब मुर्गा कटे तो उसमें से जो उसका जो वेट हो वो ज्यादा हो, ठीक है ना। अच्छा, उनके लिए मेहनत कहाँ करनी रहती है? उनकी हमको मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी मतलब वो जल्दी से मर ना जाए, मतलब बिफोर गोइंग टू द मार्केट, तो उनकी मोर्टैलिटी पे काम करना पड़ता है। उनकी फेदर और कैरकास, कैरकास समझते हैं, उनके ऊपर की जो कलगी होती है ना रेड कलर की, या क्योंकि ना जिनकी फेदर क्वालिटी और कैरकास क्वालिटी अच्छी होती है वो हेल्दी माने जाते हैं, तो उनकी मार्केटेबिलिटी इजी होती है। मार्केटेबिलिटी इजी होना मतलब वो इजिली बिक जाते हैं, तो वहां पे केयर इन चीजों की करनी रहती है। तो हम इन दोनों का क्रॉस ब्रीड करके भी हमें कोई फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि उनका इंटायरली काम अलग है और इनका इंटायरली काम अलग है। हाँ, क्रॉस ब्रीड आप इस चीज के लिए कर सकते हो कि मानो आपके पास लेयर्स की कोई ब्रीड है जो डिजीज रेजिस्टेंट है, तो उसकी एग की क्वालिटी तो साइड में रखो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें किस बात से मतलब है? दैट द एनिमल इज डिजीज रेजिस्टेंट। और जो पोल्ट्री बर्ड्स होती है वो बेचारी क्या बीमारियों से बहुत इजिली अटैक हो जाती है, दे आर हाईली वल्नरेबल टू डिजीजेस। आई बात समझ में? देखा कभी बर्ड फ्लू फैलता है तो फैल ही जाता है, तो मैं नहीं बताऊंगा। बर्ड फ्लू एक बार इंडिया में ऐसा बना था कि लाइक फॉर अ पीरियड ऑफ 9-10 मंथ्स पीपल डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन बर्ड डाइट, मतलब चिकन और ये सारी चीजें। रीजन की अगर मानो देश के एक कोने में एक बर्ड को हुआ है तो इट हार्डली टेक्स अ फ्यू डेज फॉर इट टू स्प्रेड टू द एंटायर नेशन, इतनी फास्ट फैलता है बर्ड फ्लू, तो दे आर हाईली वल्नरेबल टू डिजीजेस, ठीक है। और इसीलिए इनका जो है ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इनका जो है ना हाइजीनिक रहे सारी चीजें, टेम्परेचर मेंटेन रहे, डिजीजेस नहीं हो इनको बैक्टीरिया फंगी वायरसेस से, पेस्ट इन पे अटैक नहीं करें, पैरासाइट्स इन पे अटैक नहीं करें, ठीक है। और ये सारी चीजें प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं? इनका वैक्सीनेशन करवाते हैं सारी पोल्ट्री बर्ड्स का। दे आर वेरी रेगुलरली वैक्सीनेटेड, प्लस जहां पर ये रहती है वहां पर हम लोग बहुत साफ सफाई रखते हैं, क्लीनिंग बहुत ज्यादा रखते हैं, सैनिटेशन बहुत ज्यादा रखते हैं, है ना। केमिकल्स रेगुलर लेवल पे स्प्रे करते हैं, है ना, और फ्यूमिगेशन भी करते हैं। फ्यूमिगेशन मतलब क्या होता है? स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट। जिस केज में वो ट्रांसपोर्ट होती है उसको भी रेगुलर बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? वहां पर भी फ्यूमिगेशन, जहां इनको रखते हैं वहां पर भी फ्यूमिगेशन, हर जगह पर क्या करते हैं? फ्यूमिगेशन करते हैं। बोल बोल दो नो डाउट बोल एक सेकंड पहले जो आप सुनो ये मीटिंग। अब हम लोग जब एग्जॉटिक और इंडिजीनियस ब्रीड्स का क्या करते थे? हाइब्रिड करते थे।
तो एग्जाम में आता है वाई क्रॉस ब्रीडिंग, ऐसी कौन सी चीजें रहती थी जिसको आपको क्रॉस ब्रीड करने की जरूरत पड़ जाए. तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ चिक्स इन केस ऑफ ब्रॉयलर्स, ठीक है ना. फिर ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट हमेशा माना जाता है कि जो ब्रॉयलर पेरेंट होता है ना उसका साइज छोटा होना चाहिए, मतलब वो छोटा मोटा होना चाहिए, बड़ा पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. समर अडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी, समर अडेप्टेबिलिटी या टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर इसलिए होता है क्योंकि समर्स में इनके बीमार होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. मतलब अगर इन्होंने समर शांति से निकाल ली तो ये विंटर में भी इतना बीमार नहीं पड़ेंगे, बारिश में इतना बीमार नहीं पड़ेंगे. लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बिकॉज इनका जो फूड होता है ना या जो इनकी डाइट होती है वो एक्सपेंसिव होती है. जो इनका मुर्गी का जो दाना रहता है ना द डाइट इज एक्सपेंसिव. तो हम सोच रहे हैं कि ऐसी ब्रीड्स बनाए जिनका जो डाइट हो ना वो थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव हो. हाँ, और रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड्स. एग लेइंग बर्ड्स का साइज छोटा हो, अंडों का साइज बड़े बड़ा भी हो तो भी चलेगा. चलेगा क्या होना ही चाहिए बड़ा. अरे यार कर्सर तो नहीं दिख रहा. ठीक है, अब इनका क्या क्या ध्यान रखना है. इनकी जगह स्पेसेस होने चाहिए, एयरी वेंटिलेटेड, प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए, हाइजीनिक डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, डिसइंफेक्टेंट शुड बी स्प्रेड रेगुलरली. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ताकि जितनी भी कॉमन बैक्टीरियल वायरल और ये सारे डिजीज है वो सेटल वैक्सीनेशन से ही हो जाए. इज दैट क्लियर. आगे जाए, नेक्स्ट होता है एरी. मतलब एरी मतलब जहाँ हवा अच्छी है. ओके जी, वेल वेंटिलेटेड ही होता है. पिसी कल्चर क्या बोलते हैं, फिश फार्मिंग को बोलते हैं, रियरिंग को ब्रीडिंग को फिश, ठीक है ना. आप इसको पॉन्ड में करो, आप टैंक में करो, आपकी इच्छा. दो तरह की फिशिंग होती है, एक होती है कैप्चर फिशरी, मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ मछली पकड़नी है, भले आप फ्रेश वाटर से पकड़ रहे हो, आप लेक से पकड़ रहे हो, आप रिवर से पकड़ रहे हो, आप उसको सी से पकड़ रहे हो, जहां से पकड़ रहे हो सिर्फ पकड़नी है. कल्चरल फिशरीज मतलब क्या होता है, फिशेस को उगाना. उगाना मतलब हम लोग फिश का जो एग रहता है उसको एक पॉन्ड में डालते हैं और रेगुलरली मॉनिटर करते हैं कि वो फिश का एग कब हैच हो रहा है और फिर फिश धीरे 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 उसमें कैसे बड़ी हो रही है. और फिर वो जब बड़ी हो जाती है तो हम लोग उसको कैप्चर करके, मतलब फिश एग से, हम लोग उसको फिश एग भी नहीं कहते, हम उसे फिश सीड कहते हैं. तो फिश सीड को पानी में डालना, अपना छोटा सा पॉन्ड या लेक क्रिएट करना और उस पॉन्ड और लेक में क्या करना, मॉनिटर करना फिश का ब्रीडिंग और फिर वो फिशेस निकाल कर क्या कर देना, बेच देना. अगर हम लोग कैप्चर फिशरिंग की बात करें, प्योर कैप्चर, तो कैप्चर में दो तरह की होती है. एक मरीन फिशेस होती है, मरीन फिशेस मतलब जो मरीन वाटर्स में होती है, यानी कि सीज एंड ओशन. और दूसरी होती है इनलैंड फिशरीज जो फ्रेश वाटर में होती है. फ्रेश वाटर मतलब क्या होता है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स. ठीक है ना. अब यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रैकिश वाटर लाइक एस्टुअरीज एंड लगूंस. ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज ब्रैकिश वाटर. तो हम लोग बोलते हैं ब्रैकिश वाटर वो वाटर होते हैं वेयर फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, हाँ, या सी वाटर मिक्स होता है. क्लियर है. अब ब्रैकिश वाटर की स्पेशल बात क्या होती है कि यहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ फिशेस अवेलेबल होती है. मतलब जितनी नॉर्मल वाटर में नहीं होगी ना उतनी ब्रैकिश वाटर में हमको मिल जाएगी. आ रही बात समझ में. तो इसलिए ये अच्छा माना जाता है. अब देखो फ्रेश वाटर की फिशेस के नाम तुम्हें याद करने पड़ेंगे, रोहू, मिगला, कतला, है ना, ठीक है ना. एक्सोटिक में आपको याद करना पड़ेगा कॉमन कार्प, मिरर कार्प, चाइनीज कार्प, जो भी कार्प, ठीक है ना. मरीन फिशरीज में पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सर्डिन्स, बॉम्बे डक, म्यूलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, ये सारे नाम तुम्हारे एनसीईआरटी में तुम्हें सारे करने. एग्जाम में शेल फिशेस के नाम अलग से पूछते जैसे कि प्रॉन और ऑयस्टर. और इसको मैरी कल्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मरीन फिशरीज है
तो अगर मरीन फिशरीज की ब्रीडिंग हो रही है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, मैरीकल्चर कहेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोजिट फिश कल्चर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर में करें 5 to 6 वेराइटीज ऑफ फिशेस, 5 to 6 वेराइटीज ऑफ फिशेस एक सिंगल पॉन्ड में उगाते हैं। एक सिंगल पॉन्ड में उगाते हैं, उगाना मतलब ब्रीड करना, फिश के सीड्स डालना, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या रहता है, हम लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं क्या, कि जो पानी के अंदर हम लोग 5 से 6 वेराइटीज ऑफ फिशेस डाल रहे हैं, ये पांचों की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हो, अलग अलग हो। इन सब की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हो, अलग अलग हो। बताती हूँ कैसे। देखो अब इसमें अगर हम लोग कंपोजिट फिश कल्चर की बात करें तो इसमें सरफेस फीडर होती है कतलास। सरफेस फीडर्स कौन होती है, कतलास, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं जो कतलास होती है ना वो सरफेस फीडर रहती है, यानी कि वो पानी के ऊपर ऊपर ही रहेगी, नीचे आएगी नहीं, ठीक है ना। फिर जो मिडिल जोन फीडर्स होती है वो कौन होती है, रोहूस। कौन होती है, रोहूस। तो वो बीच में ही रहेगी, वो ऊपर आएगी नहीं, ठीक है ना। जो बॉटम फीडर्स होती है यानी कि जो नीचे रहती है वो क्या होती है, मेगल्स और कॉमन काउस। और एक तरह की फिशेस रहती है जो खाना खाती नहीं है, सिर्फ वीड्स खाती है, मतलब फालतू टाइप के पौधे ही खाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास का। क्या कहते हैं, ग्रास का। तो वो सिर्फ क्या करेगी, वीड्स खा लेगी, तो पॉन्ड अपने आप क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। इंडिया में क्या परेशानी है, हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी का सीड अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ गुड क्वालिटी का फिश सीड अवेलेबल नहीं है। इसका भी आजकल एक सोल्यूशन निकाल लिया है, दैट इज हार्मोनल स्टिमुलेशन। हम लोग जब हम सीड्स बना रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग बाहर से आर्टिफिशियल हार्मोन्स इंड्यूस कर रहे हैं, जिससे फिश का ग्रोथ क्या हो जाए, फटाफट हो जाए, एग्स बनाते क्रिएट किए जाते हैं। मतलब आर्टिफिशियली आप फिश को हार्मोनल फूड देते हो जिससे वो ज्यादा एग प्रोड्यूस करें और अच्छे एग प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जैसे कतला सरफेस फीडर है, रोहू कॉलम फीडर है, सिरेनियस बॉटम फीडर है, तो इनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, अलग अलग है, तो ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। और आजकल इको साउंडर्स और सैटेलाइट जैसी फैसिलिटीज आ गई, जिस वजह से आप बहुत सारे फिश शोल्स डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट टॉपिक है तुम्हारा एपिकल्चर, यहाँ पे बी कीपिंग, ठीक है ना। तो एपिकल्चर एक प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग हनी बी को क्या करते हो, रियर करते हो, ठीक है ना। क्यों करते हैं, फॉर हनी एंड बी वैक्स। क्यों करते हैं, फॉर हनी एंड बी वैक्स, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो इंडिजीनियस स्पीशीज है वो है एपिस डॉर्सेटा, एपिस सेरेना इंडिका, ठीक है ना। एपिस डॉर्सेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक बी, और एपिस सेरेना इंडिका को हम लोग बोलते हैं इंडियन बी, और एपिस फ्लोरे को बोलते हैं लिटिल बी। एक्सोटिक स्पीशीज कौन सी होती है, एपिस मेलिफेरा, जो कि हमारी क्या होती है, इटालियन बी। अच्छी बात क्या रहती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट व्हाई आर इटालियन बीज प्रेफर्ड ओवर इंडियन बीज। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाई आर इटालियन बीज प्रेफर्ड ओवर इंडियन बीज। तो जो इटालियन बीज रहती है उनमें कुछ अच्छी बातें होती है, जैसे कि दे स्टिंगलेस, वो डंक नहीं मारती, हाँ, दे हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, वो इन कंपैरिजन टू इंडिजीनियस बी ज्यादा हनी कलेक्ट कर पाती है, और दे स्टे इन अ गिवन बीहाइव फॉर लॉन्गर पीरियड। वो एक बीहाइव में क्या रहती है, बहुत देर तक रहती, निकलती नहीं, दिन भर काम ही करती रहती, बीज की बीहाइव छत्ते में। आ रही बात समझ में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्वालिटी ऑफ हनी किस चीज पर डिपेंड करती है, तो हम लोग कहते हैं जो क्वालिटी ऑफ हनी रहती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, पैस्चरेज पे। किस पे डिपेंड करती है, मुद्दा पैस्चरेज क्या होता है, तो फ्लावर्स अवेलेबल फॉर नेक्टर कलेक्शन और पोलन कलेक्शन। तो जिन फूलों से वो क्या करेगी, नेक्टर कलेक्ट करेगी, अगर वो नेक्टर ज्यादा होगा यानी कि फूलों का रस ज्यादा होगा और पोलन ग्रेन अच्छा होगा, तो हनी का जो क्वालिटी है वो अच्छी रहेगा। तो अगर पूछते ना कि टेस्ट ऑफ हनी किस चीज पे डिपेंड करता है, तो नंबर एंड काइंड ऑफ फ्लावर पे डिपेंड करता है।
आई बात समझ में? एक फार्मर के लिए बी कीपिंग अच्छा बिजनेस क्यों होता है? वो इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि वो उसको एक एक्स्ट्रा इनकम दे देता है, क्योंकि उसको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। मधुमक्खियां जो रहती है अपना छत्ता खुद से बना लेती है, और सेकेंडली इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? विद दिस चैप्टर इज ओवर।